दोस्तों आयुष्मान कार्ड के अंदर काफी लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड के अंदर किसी फैमिली मेंबर को ऐड किया था और वो पेंडिंग पड़ा है, या फिर वो उन्होंने यहाँ पर अपना जैसे न्यू केवाईसी की थी फर्स्ट टाइम में, और जब वो उन्होंने केवाईसी की तो वो जो उनका आयुष्मान कार्ड है वो पेंडिंग में चला गया। अब पेंडिंग में चला गया, वो अप्रूव नहीं हो रहा है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम है कि आयुष्मान कार्ड जब शुरू में बनाया तो वहाँ पर वो पेंडिंग में ही पड़ा है, अब तक वो अप्रूवल नहीं हुआ है। और कुछ लोगों की प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि फैमिली मेंबर को ऐड किया था, अपने ही फैमिली मेंबर से डॉक्यूमेंट्स भी लगाया, फैमिली मेंबर को ऐड कर दिया, तो वो भी यहाँ पर पेंडिंग में है। तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि आपका आयुष्मान कार्ड पेंडिंग में ही पड़ा है, वो अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको कहाँ पर जा करके उसको अप्रूवल कराना है, आज की इस वीडियो के अंदर आप यही जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पेंडिंग आयुष्मान कार्ड को अप्रूवल करवा सकते हो और ये चीज़ आप खुद करवा सकते हो। जाना कहाँ पर होगा वो इस वीडियो से आपको पता रहेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए आपको एंड तक देखना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद एसएस यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लो ताकि आने वाली मेरी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों काफ़ी लोगों के मैसेज एंड डीएम्स मुझे देखने को मिलते हैं, कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारा जो आयुष्मान कार्ड है वो पेंडिंग ही पड़ा है, वो अप्रूव नहीं हो रहा है, अप्रूवल किस तरीके से दिलाए। तो मैं आपको बता दूं, जहां पर आप रहते हो, जिस सिटी के अंदर जहां भी आप रहते हो, गांव विलेज जहां भी रहते हो, तो आपको देखना होगा कि आपके नज़दीक में गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहां पर है। जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं आपको वहां पर जाना है, जो सरकारी अस्पताल जो होते हैं आपको वहां पर जाना है। और वहां पर जाने के बाद में हर मतलब जो सरकारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं तो उनके अंदर आयुष्मान कार्ड के सेंटर भी होते हैं जहां आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, तो आपको उनसे जा करके मिलना है और अपनी प्रॉब्लम उनको बतानी है। ये चीज़ मैं आपको कैसे बोल रहा हूँ, मैंने कस्टमर केयर से बात की थी तो उन्होंने यही चीज़ बताई है कि अगर आपका आयुष्मान कार्ड काफ़ी समय से पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो आपको जो है अपने नज़दीकी जहाँ भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकारी अस्पताल है आपको वहाँ पर जाना है और उसी के अंदर जो है आपको ऑफिस मिल जाएगा जो कि आयुष्मान कार्ड बनाने का ऑफिस होगा। आपको वहाँ पर जाना है और उनसे अपनी प्रॉब्लम को बताना है और उसके बाद में जो है वही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आपको कहाँ पर जाना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वहाँ पर जाकर के अपनी प्रॉब्लम्स को, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनको बताना है और उसके बाद में वहीं से आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा और ये जो पेंडिंग वाली प्रॉब्लम है ये उसको सॉल्व करेंगे। अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्या उनके पास में तरीका होगा, वो तो वही लोग जानते हैं। बस आपको वहीं पर जाना है और उनसे मिलना है, प्रॉब्लम बतानी है, उसके बाद में वहीं से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।